हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा पर जा रहा हूँ और जा रहा हूँ ट्रेन पर। सबसे पहले जा रहा हूँ दिल्ली से श्रीनगर और मैंने ट्रेन पकड़ी है दिल्ली से उधमपुर की। रात को 10:20 पर मैंने सराय रोहिला दिल्ली से ट्रेन पकड़ी है और सुबह 9 के आसपास ये उधमपुर पहुँच जाएगी और वहाँ से बस पकड़ के फिर ट्रेन पकड़ के कैसे मैं श्रीनगर पहुँचूँगा वो मैं आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो को एंड में श्रीनगर जाके ही करूंगा। अभी तो मैं केरला से घूम के आया हूँ। कुछ दिन मैंने दिल्ली में रेस्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना अब कश्मीर जाया जाए। पहले कन्याकुमारी मैप में सबसे नीचे, अब कश्मीर सबसे ऊपर, क्योंकि मेरी अमरनाथ की बुकिंग पहले हुई हुई थी तो मुझे अमरनाथ तो जाना ही था। तो मैंने कहा क्यों ना पहले श्रीनगर घूम लूँ, खाना भी खाना है। मैं घर से खाना लेके आया हूँ, पुलाव लेके आया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि पुलाव अभी गर्म ही होंगे और इसके बाद इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। रात के बज रहे हैं 10:30, 11 के आसपास खाना खाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। आज के ट्रेन के पैसे तो बच गए, जो 100-150 लगने थे वो तो मैंने बचा लिए। घर से खाना ले आया और टेस्टी खाना है। अभी गर्म है चावल, मज़ा आ रहा है। जबकि रात के 11 बज चुके हैं तो थोड़ा खाने के बाद डाइजेस्ट भी कर लूँगा। चल के ट्रेन में इधर से उधर होता रहूँगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। वैसे लोग सोना स्टार्ट हो गए हैं, अब देखो लोगों ने पर्दे लगा लिए हैं। 2 AC में यही होता है कि पर्दे लगे होते हैं, बंदे को थोड़ी प्राइवेसी जो भी कहते हैं वो मिल जाती है। तो मेरे पास भी है, मैं भी ऐसे पर्दा लगा सकता हूँ। तो इस टाइम ट्रेन पहुंच गई है अम्बाला कैंट पर और अम्बाला कैंट पर रात को 1 पहुंची है और 10 यहां रुकेगी। 10 यहां इसलिए रुक रही है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। थोड़ा नीचे उतर रहे हैं और यहां पर बारिश भी हो रही है, बारिश का भी मज़ा उठा रहे हैं अम्बाला कैंट पर। जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर बोलते थे चुक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी तो ठीक है लेकिन यहाँ चुक चुक की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, यहाँ तो अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कैसी आवाज़ें हैं। और अभी हमारे डब्बे में एक बंदा आया, उठ के क्या था भाई साहब टीटी के पीछे पड़ गया कि भाई बहुत गर्मी लग रही है, और जबकि हमारे डब्बे में बहुत ठंड है भाई साहब, दो दो कंबल लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और टीटी ने उसको समझाया कि भाई यहाँ पर ना 1.5 का एक बच्चा सोया हुआ और वो थोड़ा बीमार है, उसकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए तो एसी हल्का सा कम किया हुआ है। और वो लेकिन माने ही ना कि भाई 2000 की टिकट ली है, ठंडा तो होना चाहिए। ठीक है, अब टीटी मुझे बता रहा था कि भाई खुद तो वो एक घर से कंबल लाया और यहाँ भी एक कंबल लिया हुआ, एक कंबल कम ले ले भाई, तो घर में जाए उसके कूलर लगाओ, यहाँ उसको एसी चाहिए फुल नॉन एसी चाहिए। मेरे को लग रहा है इतना एसी चलवा के कहीं वो स्नोफॉल ही ना करा दे हमारी ट्रेन के अंदर, और पंगा पड़ जाए ज़्यादा स्नोफॉल हो गई तो, और हमारे कश्मीर जाने की क्या ज़रूरत जब ट्रेन में स्नोफॉल हो रही है। तो टीटी भाई साहब उसको समझा रहे थे कि भाई समझ जा नहीं तो ट्रेन से उतार देंगे ना, फिर खड़ा रही हो यहाँ पर अम्बाला कैंट स्टेशन पर, फिर पकड़िए लोकल ट्रेन जिसमें एसी नहीं है, फिर करवाइए वहाँ एसी तेज। रात के 1:30 और आपने देखा हर कोई सोया हुआ है, लेकिन मैं इधर से उधर घूम ही रहा हूँ अभी तक रात तक। तो मैंने कहा क्यों ना देख के आऊँ कि हर कोई सोया हुआ है ना आराम से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो मुझे मत बताना, आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। मैं भी अब जाता हूँ सोने, तो फिर मिलता हूँ मैं आपको मॉर्निंग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब मैं पहुंच गया हूं जम्मू। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ट्रेन रुकी हुई है जम्मू में। सोया तो मैं था पंजाब में, उठा हूं तो आ गया जम्मू।
ज़्यादातर लोग जम्मू में ही उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो कटरा जाएंगे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, ट्रेन यहाँ पर ऑलमोस्ट खाली हो ही गई है। यहाँ से 75 किलोमीटर है उधमपुर और 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से उधमपुर पहुँचने में। और ये ट्रेन है दिल्ली से उधमपुर एसी सुपर फास्ट। सेकंड एसी की मैंने टिकट ली है, 1500 रुपये की टिकट है। 631 किलोमीटर का सफ़र ये 10.5 घंटे में पूरा कर लेती है और चल ही रही है, भाग रही है। टनल आ गई, देखो आप, रात से भाग ही रही है। जम्मू चला गया, अब बस उधमपुर आना बाकी है। तो आप ये समझ लो, पिछले कुछ दिनों में मैंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का ट्रेन का सफ़र पूरा कर लिया है और अब मैं पहुंच गया हूं उधमपुर स्टेशन पर। अब मैं ट्रेन से उतर रहा हूं, उतर गया और आप देखो कितना खूबसूरत स्टेशन है, बहुत कम लोग हैं, साथ में थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, वैसे इतने दिख तो नहीं रहे, खाली स्टेशन। अभी बारिश हुई है लगता है, तभी प्लेटफॉर्म काफ़ी साफ सुथरा सा लग रहा है। पहले सोच रहा हूँ कहीं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, कुछ खा तो लूँ, रात के चावल ही खाए हुए हैं, बस सुबह से कुछ खाया ही नहीं, ब्रश करके बैठा हूँ, देखता हूँ मैं क्या खाता हूँ। जब आप स्टेशन से बाहर आओगे तो रास्ते में आपको काउंटर मिलेगा जो RFID आपको ये वाला कार्ड देगा बना के। ये कार्ड है कि आपको हमेशा अपने साथ यात्रा के टाइम पर रखना है। इस GPS सिस्टम होता है, इससे सिक्योरिटी चेक हो जाता है। आपको गले में डाल के रखना है इसको, RFID को। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप यात्रा से बालटाल से नीचे आओगे या पहलगाम से नीचे आओगे तो आपको ये वापस सबमिट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो इसको यहीं पर ही ले लो, आगे जाके अगर आप लोगे तो आपको ज़्यादा भीड़ें मिल सकती हैं, यहाँ पर तो काम 2 मिनट में हो गया। RFID लेने के लिए आपको एंट्री पास जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मिला था उसके साथ में आधार कार्ड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वाला कार्ड मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और इसकी फ़ीस है सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये देके आप RFID कार्ड ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अब मैं खाना खाने आया हूँ रेलवे स्टेशन पर ही, जब मेस बनी हुई है TTs के लिए, उनका विश्राम गृह भी है ये, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर्स आके भी खाना खा सकते हैं लेकिन वो यहाँ रह नहीं सकते। 1-2 घंटे आपने बैठना हो तो आप बैठ सकते हो। तो मैंने ऑर्डर किया है आलू का पराठा साथ में दही, और देखता हूँ साथ में क्या मिल रहा है। और आपको मैं यहाँ पर किचन भी दिखाता हूँ जो वो बना रहे हैं। अभी यहाँ पर TTs बैठे थे, वो खा रहे थे जो हमारी ट्रेन से उतरे थे। अब हमारा नंबर है, मतलब मेरा नंबर है खाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बन रहे हैं परांठे, कहाँ बन रहे हैं। अंकल जी बना रहे हैं परांठे, बहुत बढ़िया ये बन रहे हैं। अंकल जी बना रहे हैं आलू के परांठे, साथ में दही मिलेगा अंकल जी? हाँ जी, दही भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा। दही भी मिलेगी, दाल भी मिलेगी, और चाय भी मिलेंगे। और ये भैया हमारे साथ थे ट्रेन में, तो ये हमारे, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ आके खाना खा लो भाई, बहुत बढ़िया टेस्टी है। ये रहे बेड उनके, जब जो हमारी ट्रेन में हमारी टिकट चेक करते हैं ना, वो बाद में यहीं पर ही आके सोते हैं। मैं बैठ जाता हूँ, सो नहीं सकता क्योंकि हमारे लिए अलाउड नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो सोना नहीं चाहिए। फिर हम यहाँ पर खाना, इतना तो उन्होंने हमें दे ही दिया कि यार आप यहाँ पर आके खाना खा लो, चाय वाय पी लो, 1-2 घंटा आराम कर लो, लोग तो बहुत बढ़िया हैं यहाँ के। और अब खाता हूँ, आपको खाने का टेस्ट भी बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो आपको पता है, जहाँ मैं खाता हूँ वहाँ बढ़िया ही होता है, तभी मैं वहाँ आता हूँ और मैं खाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और ये खाने की जगह है, यहाँ बैठ के हम खा सकते हैं आराम से। खाना खाते खाते अगर आप ज़्यादा खा लो, पेट भर जाए, तो आप यहाँ लुढ़क भी सकते हो। इसलिए उन्होंने एक तरफ बेड लगाया है और जो थोड़ा कम खाएं उनके लिए कुर्सियाँ लगाई हैं। तो मैं बैठूँगा बेड पर क्योंकि मैं कितना भी खा सकता हूँ, और खाने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट विश्राम करके ही जाऊँगा विश्राम गृह में। वो कहेंगे भाई तू ना बाहर जाके खा, कहीं रेस्टोरेंट में ना तू जा 400-500 खा, यहाँ मत खा।
तेरा ना तेरे वो ठीक नहीं लग रहा, तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे, तेरे खाने के कम और सोने के ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए तू जा। अरे आ गया मेरा आलू का पराठा, भैया एक अच्छा रायता, राजमा और ये पनीर की सब्ज़ी। ओह अब देखो ये देखने में ही मज़ा आ रहा है, देखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो खाते हैं पहले आलू का परांठा। ओह माय गॉड, ये जो मैंने आपको अभी राजमा बताए थे ना, ये राजमा नहीं है, ये छोले हैं, साथ में आलू हैं। तो इसी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका गलत नाम ले लिया था ना, इसलिए मैंने कहा पहले भाई तू ये तेरे को ही खाऊंगा, तू टेंशन मत ले, कहीं तू रह जाए। अब पनीर, मुझे लग रहा है ये पनीर भी नहीं है, ये कुछ और है। मैं आपको खा के बताता हूँ। ये तो कुछ और है, मैं भैया से कंफर्म करके आता हूँ, दो मिनट रुको। ये जो मैंने आपको सब्जी बताई है, ये पनीर की सब्जी नहीं है, ये ओरियन है, ये यहाँ की लोकल डिश है। ओरियन साथ में सरसों का तेल और राई, इसको मिला के बनाया हुआ है। और अगर आप गर्मी में ये एक गिलास पी लो तो गर्मी भाग जाती है, फिर आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं, इसकी गारंटी है। अगर ना भागे, थोड़ी देर चला लोगे तो क्या हो जाएगा। तो ये ओरियन की सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगी, थोड़ी खट्टी खट्टी, ट्राई करता हूँ। खट्टी खट्टी थी लेकिन टेस्टी है, मज़ा आ गई आज तो। मतलब कितना टेस्टी खाना है मैं आपको बता नहीं सकता, क्या ही फाइव स्टार होटल में ऐसा खाना मिलेगा, हर चीज़ एक नंबर। कुछ खाना खाना है और सो जाना है, पीछे बिस्तरा लगा हुआ है, हमने देख लिया, मेरे पीछे खाना खाऊंगा यहीं सो जाऊंगा। इसमें दही भी है, और ये मेरी चाय भी तैयार हो गई है, गरम गरम चाय। तो चाय मैंने कहा क्यों ना बाहर खड़े होके पी जाए, मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी आपने तो मेरा दिल जीत लिया, इतना टेस्टी खाना बनाया, आपके हाथों में जादू है। शुक्र है आंटी नहीं है यहाँ पर, कोई आंटी वंटी होती ना अभी तेरे को बता दें, मेरे हाथों में जादू है, तूने मेरा दिल जीत लिया, मैंने तेरा दिल जीत लिया, अभी बता दें तेरे को, वापस कर मेरी चाय। नहीं नहीं वाकई में मज़ा ही आ गया जी, मतलब जो मज़ा आ गया, मतलब अब ये समझ लो। चाय पीता हूँ, चाय का भी आपको बताता हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी रेलवे स्टेशन से, जो अनाउंसमेंट होती है ये वहीं से आ रही है, एक मिनट। चाय भी टेस्टी है, कुछ अलग डाला हुआ इसमें, अलग अलग तरीके का मसाला है और दूध भी कुछ अलग है, और टेस्टी चाय है। चाय पीता हूँ फिर मुझे यहाँ से आगे बनिहाल जाना है, बनिहाल जाने के लिए यहाँ से शेयर टैक्सी या बस लेनी पड़ेगी, उसका इंतज़ाम करता हूँ। बहुत देर से इधर उधर डोल रहा हूँ ना, अब जाके जब टैक्सी नहीं मिलेगी ना, फिर दो तीन घंटे वेट करने पड़ेंगे, फिर खा तू बैठ के परौंठे, फिर पी ले तू चाय, फिर क्या कि मैंने आपका दिल जीत लिया, फिर ठंडा पड़ेगा ना वहाँ जाके, फिर पता चलेगा। तो मैं जाता हूँ और बनिहाल के लिए टैक्सी ढूंढता हूँ, फिर टैक्सी में बैठ के आपसे बात करता हूँ। और जो मैंने खाना खाया है उसकी प्लेट मुझे सिर्फ पड़ी है 50 रुपए की, 40 रुपए की थाली, 10 रुपए की चाय, और क्या ही लोगे, लूट लोगे क्या भैया को, हैं? चलते हैं आगे। अब यहाँ से पकड़ना है एमएच चौक के लिए ऑटो, जो 200 रुपए में मिलेगा, एमएच चौक जाके वहाँ से शेयर टैक्सी पकड़नी है बनिहाल के लिए। अब बैठता हूँ फिर, एमएच चौक चलते हैं भैया के साथ। ये और भैया चले गए हैं पानी भरने, यहाँ सामने काफ़ी लोग नहा रहे हैं,
मुझे लग रहा है ये वो लोग होंगे जो स्टेशन पे उतरे होंगे ट्रेन से, यहाँ आने वाने का इंतजाम करा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल देव ब्लॉक उधमपुर, नाम से तो नहीं लग रहा लेकिन पानी आता होगा तो नहा लेते होंगे। जहाँ पानी मिले नहा लो, रोज़ रोज़ कहाँ नहाना होता है, जैसे पानी दिखे दो डब्बे डाल लो, चाहे साबुन ना ही लगाओ, आजकल साबुन भी तो बहुत महंगा हो रहा है। पहले तो लोग मिट्टी लगा के ही नहा लेते थे, आजकल लोगों को चाहिए मल्टीपल साबुन, यहाँ के लिए अलग साबुन, यहाँ के लिए अलग साबुन, बाद में कंडीशनर। ज़्यादा चोचले आ गए हैं और हेयर फॉल आप लोगों के देख ही रहे हो, बाल है ही नहीं सिर पे, लोगों के पैच लगे पड़े हैं, ज़्यादा शैम्पू ज़्यादा पैच, सब खराब हो रखा है, केमिकल्स ने सब खराब कर रखा है। इस पर कभी हम डिबेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले एक बार अमरनाथ हुआ हूँ, तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ MH चौक पर। यहाँ पर शेयर टैक्सी तो मिल रही है लेकिन वो 500-700 हज़ार रुपये मांग रहे हैं बनिहाल जाने के, तो मैं लेकिन बस का वेट कर रहा हूँ, मेरे को बस पे जाना है, सस्ते में जाना है, आराम से पहुँच जाऊँगा। वैसे यहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर की भी बस मिल रही है लेकिन मुझे बनिहाल से श्रीनगर का जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे रूट है, वो भी तो मुझे कवर करना है, आपको दिखाना है, आपका कोई वो दिखाया नहीं, पंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैं पहले यहाँ से बनिहाल जाऊँगा और वेट कर रहा हूँ। अभी एक लोकल से पूछा, उन्होंने कहा 10-15 मिनट में आ जाएगी, आप आराम से बैठो, टेंशन मत लो। तो उधमपुर से मैंने बस ले ली है, उधमपुर से बनिहाल की जो मुझे बस मिली है वो 200 रुपये की टिकट है, 200 रुपये में उधमपुर से बनिहाल पहुंच जाना है और 3-4 घंटे लग जाएंगे। पहले तो 140 किलोमीटर का ये सफ़र होता था, अब लगभग 100 किलोमीटर का रह गया है क्योंकि रास्ते में टनल भी आएगी। पहले रास्ता पटनी टॉप से होता हुआ जाता था, अब टनल से निकलता हुआ रास्ते में जो टनल आएगी वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये आपने देखी चनानी नाशरी टनल, जिसको पटनी टॉप टनल भी बोलते हैं और जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोलते हैं, जो 9.28 किलोमीटर लगभग 9.25 किलोमीटर लंबी ये टनल है। तो ये इसकी वजह से रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है, तो इसको लोग पटनी टॉप टनल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो यही टनल है जो अभी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, वैसे अटल टनल भी है लेकिन वो 9.02 किलोमीटर्स है, इससे थोड़ी सी कम है। तो आप ये समझ लो मैंने अटल टनल साइकिल से कवर की थी और पटनी टॉप टनल मैंने बस से कवर की है। और यहाँ पर हमारी बस को रोका गया है क्योंकि आगे से कॉन्वॉय आ रही है, यात्रा के लिए जो यात्री गए हैं उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उनको रोक लिया है थोड़ी देर के लिए। तो 15 मिनट से तुम यहाँ खड़े हैं, देखो जैसे जैसे, क्योंकि उनको पहले प्रेफरेंस है भाई, वो यात्री आए हुए हैं अमरनाथ जाने के लिए, पहले उनको रास्ता मिलेगा फिर हमको मिलेगा। तो ये मेरी बस खड़ी है पीछे, ये देखो यहाँ लिखा है ये रामबन से होती हुई बनिहाल जाएगी, उधमपुर से रामबन फिर बनिहाल। ये भैया हमारी बस को चला रहे हैं, बहुत बढ़िया ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा बोधराज शर्मा। अच्छा आप यहीं से हो, तो आप रोज अप डाउन करते हो, हिम्मत है वैसे भी सर। अब आदत पड़ गई। कितने साल हो गए आपको? 35 साल हो गए। आपकी उम्र? 47 साल है, यंग ही लगते हो वैसे हैं। अरे आप देखो नदी, बारिशें बहुत हो रही है ना, इस वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है, बारिशों की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है ना, और तेज हो जाता है पानी, है ना। थोड़ा पीछे होके खड़े हो, कहीं फिसल के नीचे चले गए हैं। सारा मिट्टी वाला पानी है ना ये, ऊपर से बारिश वारिश हो रही होगी ऊपर, पहाड़ों में बारिश लगी है ना, तो मिट्टी के साथ पानी आ रहा है। जी मिट्टी के साथ, तभी पानी का रंग थोड़ा आपको मिट्टी वाला मटमैला मटमैला होगा, तो एक दिन में पानी का रंग बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे जैसे बारिश होगी मिट्टी बारिश में के पानी में घुलेगी, और जो फोर लेन का काम लगा है ना रोड का, तो सारे पहाड़ वहाड़ बहुत तोड़ रहे हैं, फिर हम वही मिट्टी वाला पानी उसमें शामिल हो जाता है, इसलिए ये तो ऐसे 50-100 साल बाद पहाड़ खत्म हो जाएंगे, है ना। वो तो है ही है, जो कुदरत के साथ जो पंगे हैं या पंगे ना, सही नहीं है ना, सही नहीं है। पहाड़ कटते जा रहे हैं, रोडें चौड़ी हो रही हैं, हर जगह मिट्टी मिट्टी है, पहाड़ कट स्लाइडिंग हो रही है, देखो तो स्लाइडिंग पहाड़ कटने की वजह से बढ़ भी जाती है ना, फिर इससे वही भाई स्लाइडिंग होती है, पत्थर बच जाते हैं, बारिश आती है
बारिश मिट्टी को नीचे से बहा देती है, पत्थर नीचे आ जाते हैं। जो चश्मे का पानी होता था ना पीने के लिए, वो पानी खत्म हो रहे हैं। जो कटाई से वो पहाड़ हिल रहे हैं, जहाँ तक जो चश्मा था वो कहीं और चला गया है। सही बात है। चश्मा मतलब जहाँ से पानी प्राकृतिक तौर से निकलता है, जहाँ से निकलता है। अच्छा, हाँ जी, झरना झरना। आप चश्मा, अच्छा आप चश्मा बोलते हो? चश्मा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर झरने को चश्मा बोला जाता है, तो चश्मे को तो चश्मा ही बोलते हो ना? हाँ, तो उसको एनक बोलते हैं। एनक बोले कभी कभी उसको झरना बोलते हो? अपनी अपनी भाषा है। हाँ जी, नहीं सही बात है, हम भी सीख रहे हैं, हम घूम रहे हैं तब सीख रहे हैं। गंडा कहने हैं, प्याज। यार सही बात। चलो भाई अब चलें, रास्ता खुल गया। चलो भाई, चलो चलो चलो। ओ सब तो चढ़े नहीं, मैं ही चढ़ गया। तो हम 1.5 घंटे से भी यहीं पर ही खड़े हैं, क्योंकि जो अमरनाथ यात्री गए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि परसों अमरनाथ में बादल फट गया था, आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो उसकी वजह से भीड़ काफ़ी, वहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो जो सुनने में आ रहा है, तो भी वहाँ की गाड़ियाँ पहले इस तरफ भेज रहे हैं, हम तो थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। हमारे कौन से काम रुके हुए हैं, हम तो बस में लटके हुए हैं, 1.5 घंटे से यहीं बैठे हुए हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी, यहाँ भी गर्मी ही है, यहाँ कुछ अभी ठंड नहीं है। श्रीनगर जाके आपको बताऊंगा कि वहाँ के मौसम का क्या हाल है, यहाँ का मौसम तो अभी गर्म ही है। तो मैंने कहा बस से लटके लटके नेस्ले की चॉकलेट खा लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई गर्मी की वजह। मेल्ट हो है ना, दांतों में ज़्यादा चिपकती है, लेकिन मज़ा भी आता है। अब थोड़ी कलेजे को ठंडक पड़ी है, अब लग रहा रास्ता खुल गया है, गाड़ियाँ धीरे धीरे चलनी तो स्टार्ट हुई हैं। अभी देखते हैं, जो लोग यहाँ उतरे थे, जिन्होंने चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाई, उनके रैपर्स कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स यहीं फेंक दी। ये भी ठीक किया उन्होंने, उनको लगता होगा यहाँ से शायद कोई आगे उठा लेगा, पहाड़ों से कोई आएगा उनकी बोतलें खाली उठाने, चिप्स के रैपर्स उठाने आएगा। भाई साहब सीधी खाई है नीचे, और अब हम पहुंच गए हैं रामबन बस अड्डा। तो काफ़ी सवारियां रामबन में उतर गई, और रामबन से बनिहाल लगभग 45 किलोमीटर, आधा रास्ता अभी तक कवर हुआ है, आधा अभी बचा है। 3-4 घंटे हो गए बैठे हुए, अभी तीन चार और लग जाएंगे लग रहा है।
क्योंकि यहाँ पर लैंड स्लाइड होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सरिये लगाए हुए हैं, एंगल लोहा लगाया हुआ है कि लैंड स्लाइड से ऊपर से पत्थर गिरे तो नीचे किसी व्हीकल को नुकसान ना हो। पूरा स्टील का बनाया हुआ है, वाटर लगा के। अभी कोई जगह आई है मदर कोर्ट, यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी बस खाली हो रही है, सब उतर रहे हैं, कुछ पीछे से उतर रहे हैं और ज़्यादातर आगे से उतर रहे हैं। लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है बस में बैठे बैठे। अब तबीयत तो ख़राब होगी, बस ऐसे 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 करके घूमे जा रही है पहाड़ के ऊपर तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी लिमका पेप्सी रख लेनी चाहिए, छोटी वाली बोतल, तबीयत ख़राब हो एक गुट पी लो। अब ये सीन देखो, क्या बढ़िया पहाड़ है। अरे यहाँ सीन देखो, बीच बीच में जाम लगे जा रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। पहाड़ों का तो ऐसे ही होता है, कई बार 20 किलोमीटर में 6 घंटे लग जाते हैं, तो कई बार 100 किलोमीटर 2 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहाँ 5 बजे पहुँच जाऊँगा, किलोमीटर बता सकते हो, ठीक है। कहीं ये बोलोगे कि आप कितने बजे पहुँचोगे, मैं 6 बजे, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड होगी, बैठे रह जाओगे, फिर क्या करोगे, टाइम लगता है। धीरे धीरे चलती है गाड़ियाँ, ये देखो आप, हम सुबह के निकले हुए हैं, शाम हो गई, 100 किलोमीटर थे। अब किसको बोले जाके कि भैया आपने तो कहा था कि 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, भैया कहेंगे ये दिल्ली की मेट्रो नहीं है जो टाइम से पहुंच जाती है, ये पहाड़ है, पहाड़ों में काम कुछ ऐसे ही होता है। पहाड़ तो फिर नेचर से ही चलते हैं और नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। ये देखो आप, शुक्र है थोड़ी ग्रीनरी आई है, रास्ते में तो बहुत मिट्टी थी, बहुत ही मिट्टी हो रखा था। मैं तो आराम से बैठ के गाने सुन रहा हूँ पुराने, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, बढ़िया गाना, वही सुन रहा था मैं बैठ के अभी। हवा हर नदी का बदन चूमती है, तो आप नीचे नदी देख रहे हो ना, जो हवा चल रही है हर नदी का बदन चूम रही है। खैर यहाँ नदी तो थोड़ी छोटी है, जो बड़ी थी वो पीछे निकल गई। कंडक्टर भैया का भी काम बहुत मुश्किल है, सबसे बाहर ही खड़े हैं। तो भाई लोग पीछे बाइक पर आ रहे हैं और बाइक कर रहे हैं, आप भी कहोगे सुबह से बाहर ही टंगा हुआ है खिड़की के अच्छा लग रहा है ऐसे बाहर देखते हुए, व्यूज़ को देखते हुए। अभी कन्याकुमारी के पहाड़, केरला के, तमिलनाडु के पहाड़ देखे थे, अब कश्मीर के देख रहा हूँ। वहाँ के पहाड़ों में ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा थी, सफाई थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ा अभी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए, नहीं तो ये भी बहुत बढ़िया है। ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, मेरे पीछे भी लोग खिड़की में ही टंगे हुए हैं, आधी बस खिड़की में ही टंगी हुई है सब बाहर का मज़ा उठा रहे हैं। हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ठंडक होगी पहले से, पहले तो गर्मी थी लेकिन अब थोड़ी 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 ठंडी है, जैसे जैसे मुझे लग रहा है शाम हो जाएगी ना थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़ती जाएगी। तो उधमपुर से मैं बनिहाल तो पहुंच गया, लेकिन बनिहाल पहुंचा हूँ 6-7 घंटे बाद, शाम को 6 बजे बनिहाल पहुंचा हूँ। मेरी ट्रेन भी निकल गई जो यहाँ से श्रीनगर की थी, लेकिन बनिहाल आया हूँ तो यहाँ रुकूँ कहाँ, होटल लेना तो सही नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी महंगा था, लेकिन यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए शिविर लगे हुए हैं, शिविर में सब कुछ रहना खाना पीना चाय वाय सब कुछ फ्री है। और यहाँ पर इस टाइम आरती भी चल रही है, हर जगह हर पंडाल पर अपनी अलग आरती चल रही है। यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी हाई है और आप पीछे सीनिक व्यूज़ तो देख ही सकते हो, पीछे पहाड़ और बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखो। और यहाँ आरती चल रही है, अलग अलग जगह के शिविर लगे हैं, जैसे यहाँ जयपुर का लगा है, वहाँ पर फरीदाबाद का लगा है, यहाँ पर बुलंदशहर का लगा है,
और यहाँ जो अमरनाथ यात्री जा रहे हैं अमरनाथ या वहाँ से आए हैं, यहाँ पर वो आरती कर रहे हैं। तो शिविर में मैंने सोचा पहले चीला खा लेता हूँ। भैया ये चीला दे रहे हैं चटनी वटनी डाल के। ये तो जहाँ मैं ये चीला खा रहा हूँ ये दिल्ली का है, गोकुलपुरी का। भैया ने बहुत ही प्यार से पूछा था तो मैंने कहा पहले चीला खाते हैं ना। चीले गोलगप्पे भी? गोलगप्पे भी? ओहो गोलगप्पे तो खाने पड़ेंगे चीले के बाद। भैया आपने तो दिल दिल छूने वाली बात कर दी आज। मैं कहीं भी जाऊं गोलगप्पे ना खाऊं तो मेरा ट्रिप पूरा होता ही नहीं है। गोलगप्पे तो मैं सबसे पहले खाता हूं क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए तो ये मीठा पूड़ा बना रहे हैं भैया, और ये चावड़ी बाजार से हैं, दिल्ली के चावड़ी बाजार से। आवे देखो तो यहाँ चावड़ी बाजार से लगा हुआ है शिविर, और ये मीठे मीठे पूड़े। और रात के खाने का भी इंतज़ाम शुरू हो गया है, ये भैया ने तंदूर लगा दिया है, जैसे लोग आएंगे तो तंदूर में खाना बनेगा। आप देखो पहली रोटी आज की डिनर के लिए हमारे कैमरे में हो रही है कैद। ये लग गई, ये लग गई। और अब ये खाता हूँ मीठा पूड़ा। मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था तो अच्छा हुआ मीठा पूड़ा मिल गया। माइक पकड़ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, म्यूज़िक चल रहा है हर तरफ से, तो माहौल ज़बरदस्त हुआ हुआ है यहाँ पर। और मैंने कहा कचौड़ी हो जाए भैया के हाथ की। और ये शास्त्री नगर दिल्ली से लगा हुआ है यहाँ पर पंडाल, भंडारा, रहने का भी इंतज़ाम है, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है यहाँ पर रहने खाने पीने हर चीज़ का, एक नंबर। आपको वैरायटी वाला खाना मिलेगा, हर टेंट में जाओगे हर चीज़ अलग मिलेगी, कहीं मीठा कहीं गोलगप्पे कहीं कचौड़ी तो कहीं रोटी तैयार हो गई है, तो आपका मन भरेगा नहीं, बस आप खाते ही जाओगे। और आपको लोग बुला बुला के खिलाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब खा लो खा लो, गर्म है ये है वो है चाय वाय, हर कोई पूछेगा आपसे बार बार। गरम गरम कचौड़ी, कचौड़ी बहुत सॉफ्ट है तो थोड़ी सी और हो जाए। अब मैं इतनी चीज़ें खा रहा हूँ, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप एक गिलास पहले पानी पी लेना, नहीं तो पानी तो आता रहेगा। अभी मैं तो बहुत चीज़ें खाऊंगा, मेरा पता नहीं, आपको पता ही है जहाँ चीज़ें फ्री की मिल रही हूँ, पैसे ना ले रहे हो तो मैं टूट के पड़ता हूँ। तुम्हें क्या कचौड़ी नीचे भी उतारनी पड़ेगी, कहीं बीच में अटक गई तो फिर मैं आगे और चीज़ें कैसे खाऊंगा। तो कचौड़ी के नीचे उतारने के लिए मैंने गरम गरम चाय भी ले ली है, तो चाय का भी टेस्ट लेते हैं। कहने वाली बात नहीं है, चाय की चुस्की ऐसी है कि आप दो दिन चाय और पी सकते हो। चलते हैं आगे। और अब मैंने कहा हलवा खाता हूँ जो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ा गर्म
ही खा लिया, दोरा हो गया, इतना सामान देखे घबरा गया। ये सूजी का हलवा है और बहुत ही टेस्टी हलवा है, थोड़ा और आपको खा के दिखाता हूँ। तो डिनर में मैं आपको दिखाता हूँ राइस, राजमा, और दाल, और ये खट्टा मीठा, जम्मू की फेवरेट। अच्छा, मतलब हर पंडाल पर अलग अलग चीज़ मिल रही है, अलग अलग सब्जी, अलग अलग दाल, कई जगह सेम भी हैं, तो आपको जहाँ भी जो आपको खाना हो आप अपने हिसाब से खा सकते हो। मैं तो ज़्यादा खाना खा नहीं रहा क्योंकि मैं पहले ही बहुत कुछ खा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी और भी जगह दिखा देता हूँ क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर बन रही है रोटियाँ, तवे वाली रोटी, घर का खाना, और यहाँ पर है दाल, और ये चने की दाल, और ये चावल। तो बस है सोने की तैयारी। पंडाल में मैं बैठा हूँ, उन्होंने मुझे कंबल दे दिया, ये देखो आप कंबल, और ये मेरे बैग वैग पड़े हैं। और उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आप कुछ लोगे खाने वाने में, मैंने कहा नहीं खाना तो मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन मैं रात को दूध पीता हूँ, तो उन्होंने मुझे दूध का भी एक गिलास दे दिया, ये देखो आप। वैसे मैंने उनसे मांगा नहीं दूध का गिलास, उन्होंने अपने आप ही दे दिया, उनको लगा कि भाई बंदा बहुत थक के आया है तो इसको दूध पीना चाहिए, तो आराम से सो जाएगा। तो बस इस वीडियो को करता हूँ मैं यहाँ एंड। और ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना, इसमें नहीं बिल्कुल शर्माना, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।